वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे शुभम सुंदरम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक भी करें। धन्यवाद। संबोधन कारक, आइए संबोधन कारक के बारे में जानते हैं कि संबोधन कारक किसे कहते हैं। ठीक है, संबोधन कारक क्या है, संबोधन कारक की परिभाषा क्या है, संबोधन कारक कहते किसे हैं, जैसे कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, उसी प्रकार से संबोधन कारक भी होता है। ठीक है, संबोधन कारक के बारे में जानते हैं। संबोधन कारक की परिभाषा है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति को सावधान, सचेत करने का भाव प्रकट होता हो वहाँ संबोधन कारक होता है। ठीक है, जिस शब्द से, ऐसा कोई शब्द, ठीक है, जिससे किसी व्यक्ति को सावधान, सचेत करने का भाव प्रकट होता हो वहाँ संबोधन कारक होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको अगर आप सावधान करने के लिए, सचेत करने के लिए किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसको संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा वाक्य दिख रहा है, ठीक है, कि जिस वाक्य में आपको ऐसा लग रहा है कि वह वाक्य जो है किसी व्यक्ति को सावधान करने के लिए, सचेत करने के लिए बोला गया है, तो उस वाक्य में जो शब्द किसी व्यक्ति को सावधान या सचेत करता है वह संबोधन कारक होता है। ठीक है, जहाँ भाव प्रकट हो रहा हो सावधान और सचेत करने का, ठीक है, उसी को ही संबोधन कारक कहेंगे। संबोधन कारक मतलब कोई व्यक्ति, जैसे कि कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, उस व्यक्ति को अगर आपने बुलाना है तो बुलाने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे या कोई उसका नाम ले लेकर के उसको पुकारेंगे तो वह संबोधन कारक कहलाएगा। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, तो व्यक्ति जा रहा है तो वो आपकी तरफ नहीं देख रहा है, अभी उसका मुख कहीं दूसरी तरफ है, उसका ध्यान कहीं दूसरी जगह पर है, तो उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उसको अपने पास बुलाने के लिए, उसको सचेत करने के लिए, उसको सावधान करने के लिए आप जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वह शब्द ही संबोधन कारक कहलाएगा। बाकी संबोधन कारक में कोई अधिक समझने की बात नहीं है, केवल यही बात है कि जिस शब्द में से किसी व्यक्ति को सावधान या सचेत किया जाए वही वह संबोधन कारक कहलाता है। ठीक है, वह संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, ये बात ध्यान रखना। संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, उसी प्रकार जहाँ संबोधन कारक होता है वहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। ठीक है, संबोधन कारक के चिन्ह पहले भी आपको लिखा दिए गए हैं, फिर भी आपको याद दिलाने के लिए मैं बता दूं कि संबोधन कारक के चिन्ह हैं हे, अरे, भो। संबोधन कारक के चिन्ह हैं हे, अरे, भो। अब उदाहरण से समझते हैं, जैसे उदाहरण है आपके सामने, हे कृष्ण आगतः अत्र गौश चरति, नहीं, आगच्छ कृष्ण अत्र गौः चरति। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाक्य में क्या हो रहा है, ये बोल रहे हैं कि आओ कृष्ण, गौ यहाँ चर रही है। अब देखिए, कृष्ण जो है कहीं दूर खड़े हैं तो उनके जो सखा हैं वह उनको बुला रहे हैं, तो उनको सावधान कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि कृष्ण आ जाओ, गाय यहाँ चर रही है। ठीक है, तो इस वाक्य में
जो कृष्ण है, और आगच्छ शब्द है, जो कृष्ण शब्द है यह सावधान करने के लिए, सचेत करने के लिए बोला गया है, तो इसलिए यह क्या है, संबोधन है, यहाँ पर संबोधन कारक हुआ, और संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ होता है, इसलिए आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति, इस वाक्य में आगच्छ कृष्ण, जो कृष्ण है वह प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार संबोधन कारक को समझिए, जहाँ पर दो व्यक्तियों को संबोधित किया जाएगा वहाँ द्विवचन, और जहाँ बहुत सारे व्यक्तियों को प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ बहुवचन। इस प्रकार से संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। आपको संबोधन कारक के बारे में मैंने बताया कि संबोधन कारक क्या होता है। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और कोई आपको वाक्य न समझे उसको पूछ लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।